फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से एक साल का मेरा 1,30,000 रुपए का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूंगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आए जिनसे कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी।